हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी ने जबरदस्त कमाल मचाया है। हीरा मंडी की जबरदस्त चर्चाएं की जा रही हैं। ये संजय लीला भंसाली का काफी लंबा, काफी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको काफी लंबे वक्त से लोग देखना चाहते थे। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी तो चर्चाओं में है, साथ ही हीरा मंडी के गाने भी। दरअसल इस फिल्म में एक ऐसा गाना है जिसको एक दो साल या तीन साल पुराना नहीं बताया गया, बल्कि एक रिपोर्ट की माने तो ये गाना 700 साल पुराना है। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की यह फिल्म हीरा मंडी में एक ऐसा गाना फिल्माया गया है जो कि 700 साल पुराना है। और इसकी एक अलग कहानी है। इसकी कहानी जुड़ी है हिंदू और मुसलमान भाईचारे से। इसकी कहानी जुड़ी है सनातन धर्म से लेकर मुस्लिमों तक। किस तरीके से 700 साल पहले ये गाना बनाया गया और कैसे हीरा मंडी में इसे फिल्माया गया है, देखिए ये रिपोर्ट। संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड सीरीज हीरा मंडी का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार है। ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर की हीरा मंडी के रेड लाइट जिले में तवायफों के जिंदगी की कहानी दिखाती हुई ये सीरीज की रिलीज डेट से अब तक पर्दा नहीं हो रहा है, लेकिन अब मेकर्स ने सीरीज का पहला गाना सकलबन रिलीज कर दिया है। सकलबन गाना 2:45 का है जिसे राजा हसन ने गाया है। खास बात यह है कि ये गाना 700 साल पुराना है। एक रिपोर्ट की माने तो गाना इतना पुराना है और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है कि आप हैरान हो जाएंगे। गाने को लिखने वाले हैं अमीर खुसरो, जो 14वीं सदी के आला दर्जे के इंडो सूफी गायक और कवि में से एक हैं। सकलबन गाने में अमीर खुसरो ने सर्दी के उन दिनों में खिली हुई पीली सरसों के खेतों का जिक्र किया है, जो साफ तौर पर इस गाने में दिखाया जा रहा है। इस गाने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इस गाने के बोल हैं, सकलबन फूल रही सरसों, सकलबन फूल रही। अब हर खेत में पीली सरसों लहरा रही है, आम की कलियां खिल रही हैं, कोयल डाल डाल पर चहचहा रही हैं और लड़की श्रृंगार कर रही है। माली लड़कियां गुलदस्ते लेकर आई है, सभी हाथों में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल ला रही हैं। लेकिन आशिक जिसने वसंत में निजामुद्दीन के दर पर अपने आने का वादा किया था, वो नहीं आया। कई साल हो गए, हर खेत में पीली सरसों लहरा रही है। इस गाने का यही मतलब है। हीरा मंडी में सकलबन गाने को अदिति राव हैदरी, मनीषा कोयराला और ऋचा चड्ढा ने शाही अंदाज में पेश किया है। गोल्डन आउटफिट में एक्ट्रेसेस की अदाएं बेहद खूबसूरत लग रही हैं। चलिए अब सकलबन गाने की जरा हिस्ट्री जान लिया जाए कि आखिर इस गाने का मतलब क्या है और आखिर गाना किसने लिखा था, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसके पीछे कौन सा राज है ये बताते हैं। सकलबन गाना, जैसा कि हमने बताया, 700 साल पुराना है। इस पे बसंत पंचमी का जिक्र है। एक बार अमीर खुसरो ने देखा कि बसंत पंचमी के दिन लोग पीले फूल को लेकर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तब अमीर खुसरो ने एक इंसान से पूछा कि आखिर ऐसा क्या है कि पीले फूल को लेकर सभी मंदिर की ओर ऐसे जा रहे हैं। पीले फूल की कहानी तब शख्स ने बताई। अमीर खुसरो से शख्स ने कहा कि आज वसंत पंचमी का दिन है और इस दिन हम माँ सरस्वती माता की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पीले फूल चढ़ाते हैं। बस तब क्या था, खुसरो ने भी उसे थोड़े फूल मांग लिए और नाचते गाने पहुंच गए अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया को खुश करने के लिए। दरबार में पहुंचकर खुसरो ने उन्हें बताया कि यहाँ के लोग वसंत पंचमी के दिन अपने खुदा को पीले फूल चढ़ाते हैं, इसलिए मैं भी आपके लिए पीले फूल लेकर आया हूँ। इसी वाक्य पर खुसरो ने खुदा के लिए गाना लिखा। यही वजह है कि हीरा मंडी के इस गाने में पीले रंग को इतने खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। आज भी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर हर वसंत पंचमी को पीले फूल और पीली
चादर चढ़ाई जाती है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे हीरा मंडी का ये गाना काफी ज्यादा चर्चित रहा और अब लोग इस गाने को जानने के बाद काफी हैरान हैं। वेल, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ।